हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा द बाइकर। आज की वीडियो अपकमिंग टॉप बेस्ट 5 ऐसी बाइक्स के बारे में है जो आपको 2020 में लॉन्च हो जाएगी। इन बाइक्स का वेट इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। 2020 में कई ऐसी बाइक्स थी जो लॉन्च होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक अभी तक हुई नहीं। ये वैसी बाइक्स है जो लॉकडाउन खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इस बाइक से रिलेटेड हर एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए। तो वीडियो को इन तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बाइक्स की सारी न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। हमारे लिस्ट की 5th बाइक है होंडा की CB150R। यह बाइक हाल में ही इंडोनेशिया में लॉन्च हुई थी। इंडोनेशिया में इसका प्राइस 1,80,000 यह है। यह बाइक होंडा की एक स्ट्रीट लेसर लुक वाली बाइक है। इसका लुक होंडा CB300R से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। इस बाइक को सबसे पहले 2017 में बैंकॉक ऑटो एक्सपो में रिप्रेजेंट किया गया था। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 20 BHP का और 19.6 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 142 km/h की है। इसमें आपको 41mm का USD फॉक्स फ्रंट में और मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में देखने को मिलेगा। इस बाइक पे राउंड LED हेडलाइट CB300R से मिलता जुलता फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 4-color ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसमें 9 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगी। इसका माइलेज 45 km/L कंपनी क्लेम करती है। अब बात करें लॉन्च डेट और प्राइस की, तो इसका प्राइस 1,40,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च डेट की अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बाइक 2020 के मिड अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है यामा की XSR 155। ये एक रेट्रो क्लासिक बाइक है। इस बाइक की क्लासिक डिज़ाइन और पावरफुल इंजन की वजह से यह बाइक इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। इस बाइक को हाल में ही थाईलैंड में लॉन्च किया गया है। इसका प्राइस थाईलैंड में 91,500 baht यानी अराउंड 2.1 lakh रुपीज़ है। ये बाइक R15 V3 से अपनी कुछ कंपोनेंट शेयर करती है और बाकी कंपोनेंट यामा की MT सीरीज वाली बाइक से शेयर करती है। इसलिए इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया जाएगा, जिससे कि प्राइस में आपको बहुत कटिंग देखने को मिलेगा। 2.1 lakh इंडिया में इसकी प्राइस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगी अगर ये 2.1 lakh प्राइस टैग के साथ अगर इंडिया में लॉन्च होती है। तो बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 19 BHP का और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। बाकी फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 138 km/h की है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, LED हीट लैंप्स देखने को मिलेगा। अब बात करें लॉन्च डेट और प्राइस की, तो इसका प्राइस 1,45,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च डेट की अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक 2020 के नवंबर तक लॉन्च हो जाएगी। लिस्ट की 3rd बाइक है होंडा की CBR 150R। होंडा अपनी पुरानी CBR 150R को डिसकंटिन्यू करने वाली है, बिकॉज CBR 150 अब पुरानी हो गई है। इसमें बहुत ऐसी फीचर्स है जो होंडा को अपडेट करनी थी, जैसे कि ABS, BS6 इंजन। सो होंडा CBR 150R की अपग्रेडेड वर्जन CBR 150R को लॉन्च करने वाली है। होंडा CBR 150R की अपग्रेडेड वर्जन इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गई है। यह बाइक इंडिया में 2019 के मिड तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। इसके पीछे का मे बी ये रीज़न हो सकता है, होंडा CBR 150R को BS6 में लॉन्च करने वाली हो, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अब सारी बाइक्स को BS6 में लॉन्च करनी थी। होंडा के पास एक अच्छा चांस है 150cc में कम्पिटिट करने का। होंडा CBR 150R एक फुली फियर्ड बाइक है। बात करें इंजन की, तो इसमें आपको 149.6cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड BS6 4-stroke इंजन देखने को मिलेगा, जो 17.1 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 9000 RPM पे और 14.4 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके देगी 7500 RPM पे। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो इसमें आपको 276mm का डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट और 220mm का डिस्क एट द रियर देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम में माइनस चेंजेस देखने को मिलेगा पुराने वर्जन से। बात करेगा सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको 43mm का टेलीस्कोपिक USD फॉक्स और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। बात करें डिजाइन और स्टाइल की, तो इसमें आपको ट्विन हेडलाइट, LED हेडलाइट और रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलेगा। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, जो सारी फीचर्स शो करती है। इसका वेट 135 किलोग्राम का है।
इसका सीट हाइट 787 mm का है। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगा। इसका माइलेज 45 to 50 km/h का देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 135 km/h का है। इस बाइक की प्राइस आपको 1,30,000 से 45,000 तक का देखने को मिलेगा और यह बाइक इंडिया में 2020 के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। इस बाइक को जोरदार कंपटीशन यामाहा की R15 वर्जन 3 से होने वाला है। हमारे लिस्ट की सेकंड बाइक है होंडा की CB190R। होंडा बिल्कुल ही नए सेगमेंट पे इंडियन मार्केट में वर्क कर रही है। होंडा इस बाइक को 2020 के लास्ट तक इंडियन ऑटो मार्केट में इसको रिवील कर देगा। इसका लुक आपको होंडा CB190R के सिमिलर रहने वाली है। इस बाइक को लॉन्च करने का मेन रीजन अगर देखा जाए तो होंडा के पास हॉर्नेट 160 और CB300R के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। यही एक रीजन माना जा रहा है इस बाइक को लॉन्च करने का। इस बाइक का नाम आपको या तो होंडा CB200R या फिर हॉर्नेट 200R देखने को भी मिल सकता है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको 200cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 4-स्ट्रोक BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलेगा जो पावर प्रोड्यूस करती है 22 BHP से 24 BHP का और 16 Nm से 18 Nm तक का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी देखने को मिल सकता है। बात करेगा फीचर्स की और लुक की तो इसमें आपको LED हेडलाइट, शार्प LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, इंजन किल स्विच, स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉस और भी बहुत सारी चीज़ें शो होगी। बात करें सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको USD फॉक्स देखने को मिलता है और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसका लुक हॉर्नेट 160R या तो CB190R से मिलता जुलता देखने को मिलेगा। किल स्विच की अगर देखें तो होंडा रियर किस में किल स्विच देती थी बट अब धीरे धीरे होंडा भी किल स्विच देना स्टार्ट कर दिया तो इस बाइक में आपको किल स्विच तो देखने को जरूर मिलेगा। बात करें अगर इसके प्राइस और लॉन्च डेट की तो इसका प्राइस एक्सपेक्टेड 1,30,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। इसका लॉन्च डेट अगर कोरोना कंट्रोल हुआ देन 2020 के दीपावली के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये बाइक आपको ये बाइक आपको 2021 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है अप्रीलिया की RS 150। अप्रीलिया नेक्स्ट ईयर अपनी 3 बाइक्स को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। पहली बाइक RS 150 जो एक फुल्ली फेयर्ड बाइक है, दूसरी बाइक Tuano 150 जो एक नेक्ड स्पोर्टी बाइक है और तीसरी बाइक 250cc सेगमेंट में GPR 250। RS 150 इसी साल जून 2019 में लॉन्च होने वाली थी बट ड्यू टू सम रीजन हुई नहीं। तो जो भी लोग इस बाइक का वेट कर रहे हैं उनको 2 से 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। यह बाइक जल्द ही आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बात करें इंजन की तो इसमें आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड BS6 FI इंजन देखने को मिलेगा जो 18 BHP का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है और 10,000 RPM पे और 14 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 7,500 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल ABS भी इसमें देखने को मिलेगा। बात करें सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग और रियर में मोनोशॉक एब्जर्वर देखने को मिलेगा। अदर कंट्री में आपको USD फॉग्स देखने को मिलता है बट इंडिया में टेलीस्कोपिक फॉग के साथ लॉन्च हो गए। इसमें आपको ड्यूअल LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, स्प्लिट सीट, स्पोर्टी ग्राफिक्स विथ ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। इसमें आपको 40 km/h तक का माइलेज मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 140 km/h तक का है। यह बाइक R15 V3 को जोरदार टक्कर देने वाली है। इस बाइक का प्राइस आपको 1,20,000 से 30,000 तक का देखने को मिलेगा। इसका लॉन्च डेट 2020 में जुलाई का है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप R15 V3 और अपेरिया RS 150 में किसके साथ जाना पसंद करोगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।